बाड़मेर की पब्लिक को ये संदेश जाए कि नर्सेज के पास हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी के अलावा भी अन्य काम भी करती है। और कोरोना के काल के समय कुछ हमारे साथी सेवानिवृत्त हो गए, कुछ सीनियर साथी अपने अपने कार्य में इतने बिजी होते थे कि हमें टाइम नहीं मिल पाता था। ये रामदेव मंदिर के साथ पहले से ही हमारे ये गार्डन डेवलप था। ये हमारे उस समय मेडिकल फ्रेंड सोसाइटी थी जो हमारे नर्सेज के ही मेंबर थे, और हमने इस मतलब बंजर टाइप भूमि थी और अस्पताल के अंदर यहाँ कचरा वगैरह रहता था, इसको हमने डेवलप करके रामदेव जी का मंदिर और मेडिकल रिलीफ फ्रेंड सोसाइटी की तरफ से हमने ये गार्डन डेवलप किया था, और उसकी हम पूरी देखभाल भी करते थे। और कोरोना के काल के समय कुछ हमारे साथी सेवानिवृत्त हो गए, कुछ सीनियर साथी अपने अपने कार्य में इतने बिजी होते थे कि हमें टाइम नहीं मिल पाता था। अब हमारे जो जूनियर साथी ने उन्होंने हमें उत्साहित किया कि इस गार्डन को हम वापस डेवलप करें, इसलिए हमें हमारे एक तो है संगठन नर्सेज एसोसिएशन और दूसरा हमारे नर्सेज फ्लोरेंस एंगल नर्सेज सोसाइटी, इन सब ने मिल के पूरे नर्सेज समूह ने इस गार्डन को वापस डेवलप करके पीछे से हमने जो गंदगी थी उसकी सब करवा दी है इंटरलॉकिंग, और आगे से पूर्व में तरह इस गार्डन को डेवलप करके अंदर बेचे वगैरह सब करेंगे, ताकि आम जनता और पब्लिक में ये संदेश जाए हॉस्पिटल के अंदर हमारे सबके आराध्य देव हैं श्री रामदेव जी, उनकी हम यहाँ आज भी पिछले 15 साल से लेके आज तक कंटिन्यू उनकी 2 समय आरती और मंदिर में पूजा आराधना, और हम सब नर्सेज अपने समय के हिसाब से आके अपना टाइम यहाँ देते हैं वापस मंदिर और गार्डन को डेवलप करने के लिए। पूरे नर्सेज समूह का ये विचार है कि इस गार्डन को डेवलप करें, आम पब्लिक और मरीजों के रिश्तेदार और नर्सेज के लिए ये डेवलप है। बाड़मेर की पब्लिक में ये संदेश जाए कि नर्सेज के पास हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी के अलावा भी अन्य काम भी करती है।